नमस्ते दोस्तों, हमारे न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बल्कि दोस्तों मुझे टॉपिक्स मिल रहे थे वीडियो अपलोड करने के लिए और बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों उस समय मेरे तबीयत जो है बहुत ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और अपलोड नहीं कर पा रहा था। खैर दोस्तों, इन बातों को छोड़िए और चलिए हम अपना टॉपिक्स में चलते हैं। हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं की परीक्षाएँ अब घर बैठ के दिए जाएंगे। आप लोगों के या सभी लोगों को पता चल गए होंगे कि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अब घर बैठ के दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि निर्धारित केंद्रों से चुने गए विषयों के सारे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं वितरण किए जाएंगे। और दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी 1 जून को प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएँ लेते हैं तो वो 6 जून तक उसे जमा करना अनिवार्य रूप है। यदि दोस्तों किसी विद्यार्थी ऐसा नहीं करता है तो उसका उसे अनुत्तीर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों, इसे अनिवार्य रूप से 6 जून तक इसे जमा कर देना है। इसमें लिखा है 5 जून तक, फिर इसमें बताया है कि 1 जून को उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र लेते हैं तो उसे 6 जून तक इसे अनिवार्य रूप से जमा कर देना है। और दोस्तों, डाकघर से या स्पीड पोस्ट से उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको गलती नहीं करना है, जैसे कि इसे अनिवार्य रूप से जिस समय बोले हैं उसे जमा करना है और उसे बाद में करते हैं तो उसे अनुपस्थिति मान लिया जाएगा। और दोस्तों, इसको अच्छे से बताने के लिए मैंने सीजी बोर्ड के जो है उसका वेबसाइट से मैं इसके सूचना जो है अपलोड कर लिया है, तो इसे मैं अपने मोबाइल में दिखा दूंगा, तो इसे आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसमें मैं अपने वीडियो में अभी दिखाने वाला हूं, तो अभी इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए मैं अपना जो है सूचना दिखा देता हूं। आई होप दोस्तों, मेरी वीडियो से आप लोगों के आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे या आप जो जानना चाहते थे वो जान चुके होंगे। यदि मेरे वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना है, हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो जो है अच्छा लगते हैं तो आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मैं दोस्तों इस वीडियो में टैक्स से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ जिसमें सॉल्यूशन बताता रहता हूँ। तो यदि आप लोग टैक्स से भी रिलेटेड सॉल्यूशंस पसंद है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, यदि आप लोग किसी का सॉल्यूशन चाहते हैं तो। या इसमें अभी आपको वो सारे टॉपिक्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसमें सर्च करूंगा, जितना मुझे सॉल्यूशन मिल जाए मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।